तो गाइस देखो ये सवारी जान भाई, ये आ गया गाइस अपना स्विमिंग पूल, और इधर ये आ गया गाइस अपना बोटिंग वगैरह का, चेक करो भाई, ये आ गया फोटो शूट वगैरह का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ये वाला ब्लॉग भी ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग भी जो है गर्मियों के मौसम में कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं, जैसे कि कहीं बाहर जाके बोटिंग वगैरह करने के लिए या वाटर पार्क या स्विमिंग पूल का कुछ सोच रहे हैं, तो गाइस आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बरेली में अभी एक सांवरिया सिटी बनी है, वहां पे गाइस जो है आप बोटिंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग पूल में भी नहा सकते हैं, वाटर पार्क भी है, झूले भी हैं गाइस, काफी सारी चीजें हैं वहां पे। तो आज मैं जो है गाइस वहां पर ही जाने वाला हूं, तो वहां का आपको पूरा व्यू वगैरह चेक कराने वाला हूं कि जो सांवरिया सिटी है गाइस वो किस तरीके की है, और जो झूले वगैरह वाटर पार्क और बोटिंग वगैरह है उसका प्राइस वगैरह क्या है, एंट्री फीस कितनी है, सब कुछ बताने वाला हूं इस ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को गाइस आप लोग ये पूरा वॉच करना, क्योंकि ये ब्लॉग काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, ठीक है। और बाकी जो एड्रेस वगैरह वो अभी मुझे कंफर्म नहीं पता है, तो वो जो है गाइस मैं वीडियो के लास्ट में वहां पर ही जाके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं सीधा सांवरिया सिटी में आप लोगों से। तो फाइनली गाइस सांवरिया सिटी पहुंच चुके हैं, और ये रहा गाइस इसका मेन गेट। तो यहां तो गाइस कोई भी कार्ड वगैरह नहीं है, तो मुझे लग रहा है एंट्री का तो शायद फ्री है। तो चलो गाइस अंदर चलते हैं और बाकी अंदर जाके चेक करते हैं, मतलब झूले वगैरह का प्राइस वगैरह क्या है, ठीक है गाइस। सब कुछ आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा, जितने भी झूले वगैरह होंगे, वाटर पार्क वगैरह, बोटिंग का, सबका प्राइस मैं आपको बता दूंगा, ठीक है गाइस। तो यार गाइस आज ना मैं बिल्कुल भी अकेले आया हूँ, मतलब दोस्त वगैरह कोई भी साथ में नहीं आया है। मैं जो है गाइस पेपर देने गया था, तो उधर से गाइस डायरेक्ट इधर ही चला आया हूँ मैं, तो कोई भी दोस्त नहीं आया साथ में मेरे। तो गाइस यहाँ पे जो है टिकट ले लिया है, तो अंदर का गाइस 100 रुपये का टिकट है, और इसमें जो है गाइस आपको जो है नहाने वगैरह का है और बोटिंग का है गाइस। तो चलो गाइस अंदर चलते हैं, फिर अंदर जाके व्यू चेक करते हैं, बाकी बाहर से कुछ चेक करो इस तरीके का है। तो यहाँ तो कुछ है नहीं देखने लायक, अंदर ही होगा जो कुछ होगा, चलो अंदर चलते हैं। तो गाइस ये क्या हो गया भाई, ये तो पोपट हो गया मुझे लग रही है यार गाइस, जैसा जिस तरीके का मैंने बैनर वगैरह देखा था, मतलब उसमें तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा था, ऐसा लग रहा था गाइस जैसे कितना ज़्यादा मस्त होगा, पर यहाँ तो गाइस कुछ अलग ही सीन है भाई। तो चलो यार गाइस अब जब आए गए तो चेक वगैरह करा देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो अगर आप लोग बोटिंग वगैरह करना चाहें, तो यहाँ पे जो गाइस आप बोटिंग कर सकते हैं, और बाकी गाइस आगे जो है स्विमिंग पूल का है नहाने वगैरह का, तो ज़्यादा गहरा नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी इसमें नहा रहे हैं, तो मैं तो यार नहाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं कपड़े वगैरह कुछ भी लाया नहीं हूँ, तो इसलिए मैं नहीं नहाऊंगा यार। और यहाँ पे गाइस अगर आप लोग फोटो शूट वगैरह कराना चाहें, तो फोटो शूट वगैरह करा सकते हैं, बाकी अगर साउंड बहुत तेज चल रहा है तो कॉपीराइट वगैरह ना चाहिए मुझे। तो चलो गाइस सर मैं इसमें तो नहाऊंगा नहीं, तो चलो बोटिंग करने चलते हैं भाई यार, इसे बोटिंग में बैठते हैं, इसमें गिर ना जाऊं यार कहीं मैं। तो गाइस यार बोटिंग में तो बैठे हैं भाई, बड़ा अजीब सा लग रहा है, कहीं डूब ना जाए यार। तो यार कुछ ज़्यादा खास मज़ा नहीं आया यार गाइस, मैंने तो सोचा यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा भाई, पर यार कुछ खास मज़ा नहीं आया। तो चलो बोटिंग वगैरह का भी आपको दिखा देते हैं, मैं ही चला रहा हूँ गाइस अकेले, इसको ना आपको अपने आप पे अकेले ही चलानी होगी, तो चलो आपको दिखा देते हैं कैसे चलानी होती है इसे। तो देखो गाइस आगे से चेक करो, आगे से कुछ ये इस तरीके की है, और बाकी गाइस यहाँ पे पैदल वगैरह है, ऐसे एक पैदल इधर है, तो दो लोग इसमें बैठते हैं गाइस, आपको पैदल मारना है, और ये बोटिंग जो है गाइस अपने आप चलती रहेगी भाई। एक देखो गाइस एक तो डूब गई है भाई यार, मुझे कहीं लग रहा है एक तरफ वजन हो गया है, मैं देखो एक तरफ खड़ा हूँ तो ये एक तरफ को झुक रही है भाई, कहीं ये भी ना डूब जाए यार। चलो अब इसे पैदल मारता हूँ मैं, देखो भगा के देखता हूँ। बाकी अगर इस पानी वगैरह चेक करो कितना मस्त लग रहा है भाई, जो है पानी देखो कितना मस्त लग रहा है। तो यार वैसे तो बस खाली बोटिंग ही सही लगी मुझे, देखो कैसी डूबी पड़ी है भाई ये बोटिंग। तो चलो यार गाइस बहुत होगी बोटिंग वगैरह, इसमें कुछ मज़ा नहीं आया मुझे, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, तो मैं उतर रहा हूँ यार गाइस यहाँ से। और बाकी गाइस अगर आप लोग जो है बोटिंग करना चाहें, और ये अगर करना चाहें तो कर सकते हैं 2 घंटे तक, मतलब 100 रुपये में आपको 2 घंटे तक इसमें नहा भी सकते हैं और बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं आप। और ये देखो गाइस ये छोटे बच्चों को बनाया है, अगर छोटे बच्चे नहाना चाहें तो इसमें नहा सकते हैं, देखो है बिल्कुल भी नहीं डूबेंगे, बिल्कुल छोटे बच्चों का है ये। और बाकी गाइस यहाँ पे जो है छोटे बच्चों के झूले वगैरह लगे हैं, अगर छोटे बच्चे जो भी हैं झूला वगैरह झूलना चाहें तो यहाँ पे झूल सकते हैं ये गाइस। अभी यहाँ के जो सर थे मैंने उनसे बात वगैरह की, तो वो कह रहे हैं अभी ना मतलब ये 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है, तो अभी मतलब पूरा सही से लगा नहीं है, लगभग अभी इसमें जो है 1-2 हफ्ते का और टाइम लगेगा, फिर ये पूरा लग जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगेगा, फिर आप लोगों ने जैसा गाइस बैनर वगैरह में देखा है ना बिल्कुल वैसा ही लगेगा, तो अभी थोड़ा इसमें टाइम लगेगा तो इसलिए अभी पूरा लगा नहीं है, ठीक है। तो बाकी गाइस अगर आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं, वैसे सही है गाइस, अगर आप कहीं भी अगर आप पूल वगैरह में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी लगभग 50 रुपये ले लेते हैं, तो आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे भी। तो चलो यार गाइस बहुत हो गया, मतलब है ही नहीं यार यहाँ पे कुछ घूमने के लिए, तो जो कुछ था वो सब कुछ आपको दिखाई दिया मैंने, और टिकट वगैरह का सब कुछ भी बता दिया आप लोगों को, और लोकेशन और बता देता हूँ गाइस, इसके लिए गाइस आपको यहाँ पे सांवरिया सिटी है मरीनाथ पे, ठीक है। तो किसी से ही पूछ लेना, आपको हर ऑटो वाला यहाँ पे आराम से छोड़ देगा, और मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप लोग आना चाहें ना आना चाहें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलो यार बस यही था, और ज़्यादा कुछ खास है नहीं यहाँ पे, तो चलो गाइस यार इस ब्लॉग को बस यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी यार गाइस आगे जो है यहाँ पे कैंटीन वगैरह भी बनी हुई है, अगर आप लोग कुछ खाना वगैरह चाहें तो यहाँ पे खा भी सकते हैं।
ये देखो गाइस, जैसा आप ये बैनर में देख रहे हैं कुछ इस तरीके का शायद बनेगा, ठीक है। अभी मैंने सबसे बात की थी तो वो कह रहे थे कुछ इस तरीके का दिखेगा, और बाकी गाइस सर मुझे भी पता नहीं कि बनेगा नहीं बनेगा, मतलब सर वगैरह कह रहे थे, और मैं भी गाइस यही सोच के आया था कि यहाँ पे मतलब कुछ इस तरीके का ही बना होगा ये, तो इसलिए गाइस मैं भी आया था, पर यार क्या करूँ अब, चलो कोई बात नहीं।